हेलो एवरीवन, एनआईएस डीएलएड में आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आप लोगों की अब केस की सुनवाई वन बाय वन देखने को मिलने वाली है और रिव्यू के डेट को लेकर के बार बार क्वेश्चन अराइज किया जा रहा था कि रिव्यू का डेट क्यों नहीं लग रहा है। अब फाइनली जो है वो टाइम आ चुका है, आप लोगों का रिव्यू का डेट भी लग चुका है। इसके बारे में बात करेंगे कि उस दिन जो सुनवाई में क्या क्या चीजें हो सकती हैं और किन किन चीजों पर फोकस किया जा रहा है, वो सभी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आपको एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एनआईएस डीएलएड को लेकर के रिव्यू का डेट, जो कि अभी बहुत दिनों से जुलाई में एक जो है इस केस की सुनवाई हुई, उसके बाद से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी, फाइनली जो है डेट लग गया है। रिव्यू का आप लोग डायरी नंबर 4961 देख सकते हो, विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये वो मामला है जिसमें आपको पता ही है कि नेगेटिव डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है और उसके लिए रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया था, यानी पुनर्विचार याचिका, जिसमें कि कोर्ट से रिक्वेस्ट किया गया है कि अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करें। अब इसका डेट अगर आप लोग देखोगे तो 5/11/2024 को ही लगा है। मैटर टैग है, आपको भी पता है जो एमए है वो इसमें जो है टैग किया गया है, जो पांच एमए, पांच राज्यों से एमए जो लगा है वो इसी मामले में जो है टैग किया गया है और एमए के ऊपर भी सुनवाई आपको 5 को ही होने वाली है और रिव्यू के मामले में भी सुनवाई 5 को होगी। अभी दोनों चीजों में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो एमए के बारे में हमने आपको बताया है, इंटरिम रिलीफ के बारे में जो है डिसीजन दिया जाएगा और जस्टिस वही है, जस्टिस गवई ही है जिन्होंने ये फैसला दिया है, जिन्होंने नवंबर 2023 में ये फैसला दिया था एनआईएस डीएलएड को हटाने का या फिर अमान्य घोषित किया था, वही है जस्टिस। तो यहां पर पहला तो एमए यानी जो पांच राज्यों की तरफ से ये एमए गया है मिसलेनियस एप्लीकेशन, इसमें इंटरिम की बात होगी, उस पर अंतरिम राहत पर फैसला सुनाया जाएगा कि आप लोग जो है इसमें जो भी ये पांच राज्यों के बच्चे हैं वो वैकेंसी में बैठ पाएंगे या नहीं। कोई भी वैकेंसी आती है इसमें, बिहार के अगर बच्चों की हम बात करते हैं तो TRE 2, 3 इन 4 तो है ही और बाकी 2 और 3 को भी लिया जा रहा है। तो ये अंतरिम राहत की बात होगी, इंटरिम रिलीफ की बात होगी। दूसरी जो आप लोगों को सुनवाई रिव्यू को लेकर के होने वाली है, इस पर भी हो सकता है कि जस्टिस गवई जो है कुछ चीजें अपनी बता सकते हैं या फिर कोई फैसला सुना सकते हैं, या ये हो सकता है कि जो पहले के फैसले हैं जो नवंबर 2023 में लिया गया है उसमें कुछ चेंज किया जा सकता है। तो रिव्यू को लेकर के भी जो है हियरिंग हो सकती है, सुनवाई हो सकती है, इसमें भी कोई चीजें निकल कर आ सकती है। सबसे पहली बात कि अगर रिव्यू को लेकर के हियरिंग होती है और जस्टिस गवई किसी भी तरीके का चेंज करते हैं अपने पहले वाले डिसीजन में या उसको क्लैरिफाई करते हैं, उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन करते हैं, तो वो जो लागू होगा वो पूरे इंडिया पर लागू होगा, पैन इंडिया पर रहेगा। क्योंकि जब फैसला आया था तो भी आपको भी पता है वो पैन इंडिया पर ही लागू हुआ था, उसी तरह से रिव्यू में कोई भी डिसीजन अगर आता है तो वो पूरे इंडिया में लागू किया जाएगा। लेकिन अगर ये पांच राज्यों पर सिर्फ फैसला सुना करके छोड़ दिया जाता है और ये रिव्यू को लेकर के जो है नेक्स्ट डेट या कुछ ऐसे दे दी जाती है, तो फिर उसके बाद जो भी फैसला आएगा इन पांच राज्यों पर लागू होगा, इन पांच राज्यों की वैकेंसी को लेकर के, या फिर आप ये बोल सकते हो इन पांच राज्यों के एनआईओएस कैंडिडेट को जो है वो रिलीफ यानी राहत मिल सकती है। इसमें आपको भी पता है कि इसमें जो है आपका बिहार है, इसमें आप लोगों का वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, असम है, इस तरह से ये पांच राज्य इसमें गए हुए हैं, है ना। अभी मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा इसमें जो रिव्यू में टैग मैटर है उसको भी मैं दिखाई देती हूँ। यहां से आप लोग आकर टैग मैटर्स देख सकते हो, तो टैग मैटर में आप लोग यहां पर देख सकते हो 34898 गुरविंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक मैटर है जिसमें आप लोगों को ज्यादातर जो है सुनवाई देखने को मिलती है। देन यहां पे सुफिया प्रवीण है, प्रभुनाथ का है, और यहां पर आप लोग जो है रश्मि बाला का देख लो, ये पांच मामले जो है पांच राज्यों से गए हुए हैं। यही है आप लोगों का जो बोल सकते हो कि एमए जो मिसलेनियस एप्लीकेशन लगा हुआ है उसको टैग किया गया है हमारे रिव्यू से।
तो फाइनली जो है रिव्यू का डेट आ चुका है। आई होप कि जिनके भी क्वेश्चन आ रहे थे बार बार रिव्यू को लेकर के, वो शांत हो जाएंगे और 5 नवंबर को जो सुनवाई होने वाली है उसमें क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी और किन चीजों पर बात होगी और क्या क्या इसमें और चेंजेस हो सकते हैं, वो सभी चीजें हम आपको अपडेट करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। टिल देन टेक केयर।